हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम एक और टॉपिक कर रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया का। ठीक है, और ये जो टॉपिक है सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और टॉपिक होगा, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं, हम पेज नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, एनसीईआरटी का। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। दलित्स जो थे, जो अनटचेबिलिटी था, उसके बारे में दिखाया है, बी आर अम्बेडकर के बारे में बताया है, और मुस्लिम्स लोग के बारे में बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन, ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर दैम एंटरिंग इन टू द टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। क्या हुआ था, जो दलित्स लोग थे वो लोग भी मूवमेंट का जो है पार्ट हुआ करते थे, मतलब उनका था कि वो पार्ट बनेंगे, लेकिन कांग्रेस जो थी वो इग्नोर करती थी दलित्स को। क्यों इग्नोर करती थी? क्योंकि अगर दलित को अगर वो लोग सपोर्ट करेंगे तो जो सनातनीज हैं, मतलब कि जो हाई कास्ट वाले हिंदूज हैं, ठीक है, जो अनटचेबिलिटी को मानते हैं, उनको बोलते हैं सनातनीज, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। तो इसीलिए कांग्रेस जो है इग्नोर करती थी दलित्स को। ठीक है, लेकिन जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने कहा कि स्वराज जब तक नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक अनटचेबिलिटी को हटाएंगे नहीं और पूरे इंडिया वाले यूनाइट नहीं होंगे। तो अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, दलित लोग को सपोर्ट करने के लिए, जो महात्मा गांधी ने, उन्होंने हरिजन नाम से पुकारा। हरिजन का मतलब होता है भगवान के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, चाइल्ड ऑफ गॉड, उनको बोलते हैं हरिजन। ठीक है, तो उन्होंने इस नाम से दलित्स को बुलाया, ठीक है, और उनको क्या किया, सत्याग्रह किया उन लोग के लिए, ताकि वो लोग को भी जैसे आम लोगों के जैसे मंदिर में जाने मिले, और पब्लिक जगहों में जैसे कि कुआं हैं, टैंक्स हैं, रोड है, स्कूल्स हैं, वहाँ पर जाने मिले। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे महात्मा गांधी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे काम करना चालू किए, जैसे कि भांगी यानी कि जो स्वीपर्स होते थे, ठीक है, उनका काम किया, उन्होंने टॉयलेट साफ किया। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं होता है, और ये अपर कास्ट वाले जो हिंदू हैं उनको मनाने के लिए, उनको मतलब ये भरोसा दिलाने के लिए कि ये जो अनटचेबिलिटी का सिन है, यानी कि जो पाप है अनटचेबिलिटी का, उसको छोड़ दें वो लोग, ठीक है, और इनको भी कॉमन लोगों की तरह ट्रीट करें। तो इनके लिए महात्मा गांधी ने उनका काम करके ये बताया कि ये छोटा काम नहीं होता, मतलब ये भी इंसान है ना। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, सिन यानी कि पाप, बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। लेकिन क्या हुआ था, जो दलित के जो लीडर थे वो सोचते थे कि हम लोग को तब तक पावर नहीं मिलेगा जब तक हम पॉलिटिकली आगे ना बढ़े, ठीक है, तो उनको पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए था। उनको क्या डिमांड था, डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट, वो चाहते थे कि हम लोग को रिजर्व्ड सीट मिले, ठीक है, एजुकेशन में, इंस्टीट्यूशन में, और एक सेपरेट इलेक्टोरेट बने उनका, जो दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो दलित मेंबर्स को चुने लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो उनको रिजर्व सीट तो चाहिए ही था, ठीक है, साथ में इलेक्टोरेट चाहिए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो वोट करने वाले लोग हैं वो अलग हो, यानी कि दलित ही दलित को वोट करे, ऐसा टाइप का उनका था। ठीक है, जो कॉमन पर्सन है वो लोग उनको वोट नहीं करेंगे, ऐसा वाला था। तो उनको जो वोटर्स है वो भी उनको अलग चाहिए था, ठीक है, ताकि जो दलित मेंबर को चुनकर पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इलेक्ट करे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटी। तो उनका जो डिसेबिलिटी है, सोशल डिसेबिलिटी, यानी कि जो उन लोग के साथ जो अन्याय होता है उसको हटाने के लिए, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही है, यानी कि सिर्फ पॉलिटिकल जब पावर मिलेगा तभी उनको ये सब चीज़ से छुटकारा मिलेगा, ठीक है, उनको न्याय मिलेगा। तो देखते हैं आगे। अब बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इन टू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। मतलब क्या हुआ, बी आर अम्बेडकर ही थे जो दलित लोगों को किसमें ऑर्गेनाइज किए थे, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, इसमें सारे, ये जो एसोसिएशन है इसमें सारे जो लोअर क्लास के लोग होते थे उनको रखा जाता था, मतलब उनका नाम इसमें रहता था।
दलित्स को भी उन्होंने इसमें डाला था 1930 में, ठीक है। और इनके लिए जो बी आर अम्बेडकर हैं वो महात्मा गांधी के साथ डिस्कस किए थे या क्लैश किए थे बोल सकते हैं, ठीक है, आर्ग्यू किए थे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में हुआ था, ठीक है, इसमें डिमांड कर रहे थे वो कि हमको दलित के लिए अलग इलेक्टोरेट चाहिए, यानी कि वोटर्स जो होंगे वो अलग चाहिए, जो दलित मेंबर को ही जो चुने, ठीक है। व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडेड अम्बेडकर डिमांड, गांधी जी बिगेन अ फास्ट ऑन टू डेथ। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अम्बेडकर जी की बात जो है वो मान गई, तो क्या हुआ, गांधी जी ने फिर अनशन करना चालू कर दिया, जब तक कि मतलब कि फास्ट करना चालू किया अनटू डेथ, यानी कि जब तक डेथ ना हो जाए तब तक उन्होंने खाना छोड़ दिया, ठीक है। ही बिलीव डैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन एंड द रिजल्ट वॉज पूना पैक्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1932। तो क्या हुआ कि गांधी जी का ये कहना था कि अगर इलेक्टोरेट अलग हो जाएंगे तब तो और मुश्किल हो जाएगा लोगों को एक साथ करना, है ना, और स्लो हो जाएगा ये प्रोसेस। तो अंबेडकर जी ने एट लास्ट समझ लिया गांधी जी की बात को और वो क्या किए, मतलब एक्सेप्ट कर लिए, और एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट, जहाँ पर साइन हुआ था, ठीक है, सितंबर 1932 में। देखते हैं पूना पैक्ट में क्या हुआ था। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास, जो अभी शेड्यूल कास्ट है उसी को पहले डिप्रेस्ड क्लास बोलते थे। तो डिप्रेस्ड क्लास को क्या उस पैक्ट में क्या लिखा था कि जो शेड्यूल कास्ट होंगे उनको रिजर्व सीट मिलेगा इन प्रोविंशियल, यानी कि स्टेट में भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा उसमें भी और स्टेट वाले में भी मिलेगा, ठीक है। दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन वो जो वोट होगा वो जनरल लोग ही करेंगे, जो सबके लिए करते हैं वही करेंगे, अलग से उनके लिए इलेक्टोरेट नहीं रखा जाएगा, ये पैक्ट में लिखा हुआ था। तो ये हो गया दलित लोग का। अब देखते हैं मुस्लिम, तो मुस्लिम लोग क्या हुआ कि जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बना था ना, तो क्या हुआ था कि वो ज़्यादा दिन चला नहीं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ, मुस्लिम लोग अलग होने लगे उनसे, ठीक है, कि क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो था उसमें मुस्लिम भी थे। तो जब ये बंद हुआ तो अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, तो उन्होंने अपने आप को अलग करना चालू कर दिया कांग्रेस से। द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक द हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल ग्रुप है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं से ज़्यादा ओपनली वो एसोसिएट होने लगे थे, जुड़ने लगे थे, ठीक है। हिंदू नेशनलिस्ट जो ग्रुप हैं जैसे कि हिंदू महासभा, उनसे ऐसे ही बहुत सारे हिंदू ग्रुप से वो लोग कांग्रेस जो है वो जुड़ने लगी थी। तो क्या हुआ कि कांग्रेस वहाँ हिंदू के साथ जाने लगी थी, तो मुस्लिम लोग क्या हो गए, अलग होने लगे थे। तो रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम क्या होने लगा, इससे ख़राब होने लगा और बहुत सारे क्लैशेस हुए, लड़ाई हुई, वो लोग वायलेंट होने लगे, अपना वो करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जैसे जैसे जितना लड़ाई हुआ उतना जो उन लोगों का रिलेशन है दोनों के बीच का हिंदू मुस्लिम का, वो ख़राब होते गया। फिर क्या हुआ, जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी वो एफर्ट करने लगे कि ये फिर से जो है मतलब रीनेगोशिएट करें एन अलायंस, यानी कि फिर से एक अलायंस बनाएं और मतलब ट्राई करने लगे कि चलो ठीक है दोनों को यूनाइट कर सकते हैं क्या। फिर उन्होंने 1927 को इट अपीयर्ड दैट सच यूनिटी कुड बी फॉर्ज्ड, यानी कि उनको ये लगा कि हो सकता है कि ये यूनिटी आ सकता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस और क्वेश्चन बोल सकते हैं ये था कि रिप्रेजेंट कौन करेगा, ठीक है, मुस्लिम वाले हिंदू वाले, कौन लीडर बनेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना एक जो लीडर थे मुस्लिम लीग के, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। वो रेडी थे कि ठीक है हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मत दो, यानी कि जनरल जो वोटर्स होते हैं वही वोट करें, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द मुस्लिम डोमिनेंट्स प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। तो वो भी ये चाहते थे कि हमको रिजर्व सीट मिलना चाहिए सेंट्रल असेंबली में, और जो है बंगाल और पंजाब जहाँ पर डोमिनेंट हैं मुस्लिम लोग, यानी कि मुस्लिम लोग जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, हाँ, बंगाल और पंजाब में, वहाँ पर से रिप्रेजेंटेशन हम लोग को मिले, ठीक है, वहाँ से हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव मिले, ठीक है, ये वो लोग डिमांड किए थे।
क्या वो नेगोसिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपीयर्ड व्हेन एम आर जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज। तो क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसी बातचीत हुई, क्वेश्चन उठा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो एक होप था कि जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगा, ये कॉन्फ्रेंस होता है तो ऑल पार्टी जब कॉन्फ्रेंस होगा 1928 में तो शायद ये सॉल्व हो जाए, ये होप था। तो ये होप क्या हुआ, ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हुआ, जब एम आर जयकर जो हैं, जो हिंदू महासभा के थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तब ये होप जो था हिंदू मुस्लिम को साथ लाने का, वो भी ख़त्म हो गया। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. तो जब वापस से जब सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट चालू हुआ था तो दोनों कम्युनिटी के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में, कोई ट्रस्ट नहीं था, कोई भी ज़्यादा मतलब बहुत शक करते थे वो लोग, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, ठीक है। Alienated from the Congress, large section of Muslim could not respond to the call of a united struggle. तो अब अलग होने लगे थे तो अब यूनाइटेड स्ट्रगल, इनके एक साथ स्ट्रगल करने के लिए वो लोग आने के लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करने लगे। मैनी मुस्लिम लीडर एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर को ये डर था कि माइनॉरिटी हो गए हैं इंडिया में, मुस्लिम को माइनॉरिटी का अगर मिला है तो इससे क्या है, डर है उनके स्टेटस को, ठीक है। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी समर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजॉरिटी। तो वो ये सोचते थे कि हमारी आइडेंटिटी और हमारा कल्चर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा या फेड हो जाएगा, क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं और हिंदू मेजॉरिटी हैं, इसीलिए हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आइडेंटिटी है, वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उनको डर था। तो आगे जब उनको यूनाइट करने के लिए क्या क्या लिया गया, जैसे भारत माता का फ़ोटो बनाया गया एक इमेजिनरी वुमेन के लिए, जैसे जर्मेनिया और वो थे पिछले वाले चैप्टर में, यूरोप वाले में, है ना, मैरियाना जर्मेनिया, तो वैसे ही भारत माता का वो बनाया गया, एक इमेजिनरी पर्सनैलिटी बनाई गई ताकि लोगों को यूनाइट कर सके। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ किया गया जिसको मैं अगले लेक्चर में बताऊँगी। तो ये है बी आर अम्बेडकर की फ़ोटो, और ये बी आर अम्बेडकर जो है लेफ्ट से थर्ड में है, और ये क्या पूना पैक्ट का पिक है, जहाँ पर कहाँ हुआ था ये, येरवाड़ा प्राइजन, यानी कि जेल जो था वहाँ पर, येरवाड़ा जेल जो था वहाँ पर हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट। यह मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो, और यह एम आर जयकर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर जल्दी ख़त्म होगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, बाय।